सिंह राशि, परिवार में सुखद स्थिति के लिए आज आपको विशेष प्रयास करना पड़ सकता है। अपनी क्षमता से अधिक व्यय करने से बचिएगा। गरीबों को आर्थिक दान देकर दिन के मनोरथ सिद्ध करिए। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 75% और संबंध का मीटर 65% अंक देता है। धनुराशि, आज आपको प्रमोशन से संबंधित या प्रगति से संबंधित निश्चित सूचना प्राप्त होगी और धन से संबंधित जो लंबित कार्य हैं वह भी आज पूरे होंगे। आज घर के आवश्यक कार्य को टालिएगा बिल्कुल नहीं। आज गरीबों में मीठा बांटने से दिन अत्यंत लाभदायी बीतेगा। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आचार्य जी, जैसा आपने महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय तो बताया, लेकिन हमारे दर्शकों को ये भी जरा बताइए कि दिन के अनुसार आखिर उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए ताकि महालक्ष्मी की कृपा उन पर बने। देखिए, शुक्रवार को सफेद अन्न का दान अवश्य करें तथा अमावस्या के दिन काले तिल का दान करने से धन की कमी कभी नहीं होती। प्रत्येक शुक्रवार और सोमवार के दिन 24 बेलपत्र लेकर प्रत्येक पत्ते पर सफेद चंदन से श्रृंग लिखकर भगवान शिव को अर्पित करने से निश्चय ही धन की समस्या समाप्त हो जाएगी। प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाएं और वहीं खड़े होकर ओम श्रृंग लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का 108 बार जप करने से भी धन की निश्चित प्राप्ति होगी। प्रत्येक बुधवार के दिन गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें तथा हरे उड़द का दान करने से धन वैभव बनेगा। प्रत्येक सोमवार को गन्ने के रस से भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराएं। रुद्राभिषेक कराते समय यह ध्यान रखें कि भगवान सदाशिव माता गौरी के साथ हो, कैलाश पर्वत पर हो अथवा वृक्षारूढ़ हो, यानी शिववास अवश्य देख लें। मकर राशि, रोग व शत्रु के घर में गोचर कर रहा चंद्रमा प्रत्येक कार्य में बाधा डालने की कोशिश करेगा, इसलिए आज अनियमित दिनचर्या से बचना होगा और मीठी वस्तु का दान करके दिन को सुखद बनाइए। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। वृश्चिक राशि, आज आपको बड़ों का विशेष सहयोग मिलेगा और करियर के क्षेत्र में अच्छी प्रगति का स्पष्ट संकेत है। आज किसी को उधार पैसा बिल्कुल मत दीजिएगा। ओम सुम शुक्राय नमः 11 बार पढ़कर घर से निकलिए, दिन प्रगतिशील रहेगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 75% और संबंध का मीटर 65% अंक देता है।